Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैल वर्ल्ड. तो आज के सली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं पैल वर्ल्ड की इस ब्यूटीफुल सी दुनिया में एक ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करने जहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट ट्री है. भाई तुम लोग इस ट्री का साइज ना गेस भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा बड़ा है. भाई इस गेम में ना बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है और ये ट्री उन माउंटेन से भी बहुत ज्यादा बड़ा है. मतलब यार अगर तुम कहीं पर भी खड़े हो जाओगे ना तुम्हें ट्री जरूर दिखेगा. तो मैं तो काफी टाइम से पैल वर्ल्ड खेल रहा हूँ और हमेशा मेरा मन होता था कि मैं वहां जाके देखूं कि आखिर इस ट्री पे है क्या वहां पर कोई बहुत खतरनाक पोकेमोन है या कोई बहुत ज्यादा डेंजरस बॉस पोकेमोन है. मतलब मुझे पता करना है भाई आखिर वहां पर है क्या. तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं उस ट्री वाली जगह पर, खुद ही चल के पता कर लेते क्या बना रखे हैं इन लोगों ने वहां. ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल रात हो रही है और मैं हूँ अपने दूसरे बेस पे, क्योंकि यहाँ से ये जो ट्री है ना बहुत ही शानदार दिखता है. मतलब तुम सामने खुद देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा ट्री है और पता नहीं उस पे इतना ज्यादा क्या ग्लो हो रहा है ऊपर. क्या ठीक है, रात के टाइम पे तो मैं वहां जाने नहीं वाला हूँ, पहले अपने नए वाले बेस पे चल के सोते हैं, कल जब सुबह हो जाएगी तब हम लोग वहां पे चलेंगे. डन. तो मैं अपने मस्त नए वाले बेस पर आ चुका हूँ. मेरे सारे के सारे पोकेमोन बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं तो भी सब रेस्ट कर रहे हैं. देखो भाई कोई ना कोई आराम से. भाई ये तो कितना ज्यादा बड़ा है भाई, ये बेड पे ढंग से फिट भी नहीं आ रहा. बट ठीक है, सोने देते हैं इन लोग को भी चैन से और हम लोग भी जल्दी से चल के सोते हैं क्योंकि कल सुबह हम लोग को कुछ बढ़िया एरिया एक्सप्लोर करने निकलना है. ओके गाइस, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट डे हो चुका है. देखो जाना बहुत ज्यादा दूर है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने साथ अपना फ्लाइंग पोकेमोन ले चलूं. तो अपने पास है नाइट विंग, बट यार दिक्कत पता है क्या, नाइट विंग ना फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो बाय चांस उस ट्री वाली जगह पर कुछ खतरनाक पोकेमोन हुए जो कि हमें मारने कूटने लग जाए तो भाई नाइट विंग बहुत ज्यादा नुकसान दे देगा क्योंकि इसके अंदर दम नहीं है लड़ाई करने का. बट देखा जाएगा, अभी के लिए मैं नाइट विंग ले रहा हूं क्योंकि भाई वो उड़ता है, मैं उसके ऊपर बैठ सकता हूं तो बहुत जल्दी पहुंचूंगा. नाइट विंग को अपने पास रख लेते हैं और नाइट विंग. चलो भाई एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं खाना वाना देख लूं. हाँ खाना खा लेते हैं भाई पहले सारे. कहीं पर भी बाहर निकलते कुछ ऐसे खा पी के निकलना चाहिए यार. आजा बेटा इधर आजा, इधर इधर इधर, वेरी गुड. चलो नाइट विंग के ऊपर हम लोग बैठ चुके हैं. ट्री का जो डायरेक्शन है वो सामने ही है. ये देखो सामने की तरफ हमें ट्री दिख रहा है, भाई बहुत बड़ा है. मुझे तो पता नहीं वो बहुत दूर है या बहुत पास है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बगल में है बट मुझे पता है वो बहुत ज्यादा दूर होगा. उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है ना कि वो लग रहा है पास में बट वो एक्चुअल में पास में नहीं होगा. गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ना थोड़ा सा मैं पैदल ही वॉक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा हाइट्स है. अगर मैं अपने कम स्टैमिना वाले नाइट विंग को उड़ाता रह जाऊंगा ना तो वो मेरे को कल के दिन पहुंचाएगा. तो बेटर ये है कि खुद ही चलकर आ जाओ. और वेट, मुझे यहाँ पर एक और एग मिला, ये भी ह्यूज है क्या? ये लार्ज है, ये थोड़ा सा छोटा है उससे. ह्यूज तो भाई बहुत ही बड़ा हो जाता है भाई. बाकी गाइस आप लोग खुद देख सकते हो अभी हम लोग ट्री के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं यार. मुझे ट्री सामने की तरफ में नजर आ रहा है और यहाँ पर तो एक दूसरा ही एरिया आ चुका है. दूसरा एरिया मतलब कुछ दूसरे टाइप के खतरनाक पोकेमोन. तो अभी क्या करूं, मैं पानी में जंप मार दूं क्या सीधा? ओए एक मिनट रुक जा, अपने पास पैराशूट है बट पैराशूट के थ्रू मैं ज्यादा आगे तो नहीं जा पाऊंगा. ओए नहीं मर जाएगा, मैं खाई में गिर के मर गया यार. मेरा पैराशूट का वो खत्म हो गया था, आई मीन मेरा स्टैमिना खत्म हो गया तो पैराशूट छूट गया. भाई पता नहीं हम लोग कितनी दूर जाके मरे हैं बट ठीक है, उसके नियर बाय पहले टेलीपोर्ट होते हैं जल्दी से, ज्यादा दूर नहीं होंगे शायद हम. ओके तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है ये वाला. चलो भाई लास्ट टाइम जहाँ पर हम लोग मरे थे उस जगह के काफी ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा बहुत और आगे जाना है. यहाँ पे कुछ ट्रेजर वगैरह ये लोग ये भी साथ साथ खोलते चलते हैं. भाई चीजें मिल जाती है बढ़िया बढ़िया. मुझे बहुत सारा हैंड गन का एमो, काफी सारे वेपन के एमो मिल चुके हैं बट अपने पास वेपन नहीं है तो हमें जल्दी से कोई वेपन बनाना चाहिए यार. चलो तो मुझे अपना सारा सामान मिल गया, इसे उठा के रखते हैं और वापस से बढ़ते हैं उस ट्री की तरफ. तुम मानोगे नहीं अपने को आधा दिन बीत चुका है बट अभी तक हम लोग उस ट्री के पास नहीं पहुंच पाए. मुझे यार सही में, ओए ये क्या हो रहा है, अपने को भूख लग रही है, क्या हो रहा है ये? हमारे अपने फूड पूरा है. अच्छा ये एरिया हॉट है, रुक जाओ. मुझे अपना ये बॉडी पे कवर उतार देना चाहिए क्या यार? रुक जाओ ये एरिया बहुत ज्यादा हॉट है, उल्टा कवर से ठीक था. अरे मैं करूँ क्या अपने? ओए ये क्या है सामने? गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी इस जगह के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए क्या? मतलब तुम लोग खुद स्क्रीन के ना बॉर्डर्स पे देख सकते हो, इधर बहुत ज्यादा गर्मी है तो मुझे इधर कोई ऐसा सूट पहनकर आना चाहिए जिसमें मुझे थोड़ा ठंडा फील हो. अरे कहाँ अटैक कर दिया मैंने. बाकी ठीक है हम लोग यहाँ पर उतरते हैं थोड़ा सा. मुझे सामने कोई तो अजीब सा मॉन्स्टर दिख चुका है जिसका नाम है डिग टॉयज. खे हम लोग नई जगह पर आ चुके हैं, ट्वाइलाइट ड्यून्स. क्या मुझे इसे फाइट करनी चाहिए या फिर वापस से आगे बढ़ना चाहिए उस एरिया के लिए? यार देखो इससे तो लड़ी लेना चाहिए. ठीक है इसको मारने के लिए मैंने भेजा अपना फेल बैट, मार इसको, इसको पकड़ के लेके चलते हैं, पत्थर तोड़वाएंगे इससे बढ़िया लग रहा है मुझे. अरे मार क्या उसको, क्या कर रहा है? रुको थोड़ा सा उसके आगे ही फेंकता हूं मैं और उसके बजा देते हैं एक तीर. वेरी गुड. अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया. ओए अरे 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 कैसे मार रहा है? वापस आ. तू मत जा, तू पूरा मार देगा उसे. गाइस समझ लो हमें एक नया पोकेमोन मिल चुका है, इसको मुझे ना थोड़ा सा मारना है. मेरे पास क्रॉसबो नहीं है पर मतलब है. रुको एक बारी मेरी क्रॉसबो रखूंगा यहां पे, ये ले चलो इसे पकड़ लेते हैं. आजा बेटा
ड्रामेबाजी नहीं, सीधा अंदर चुपचाप से मुंह पे उंगली रख के। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छे पोकेमोन ऐसे होते हैं भाई, देख रहे हो तुम, चुपचाप कैप्चर हो जाते हैं। बट यार जो भी कहो, ये कुछ तो खतरनाक पोकेमोन है। नए एरिया पे जाने में ना इसलिए मजा आता है, बट यार पहाड़ में जाइए नए एरिया, मेरी बॉडी पूरी जल रही है इधर आके भाई। मुझे भाग कर यहाँ से निकलना होगा वरना मैं गर्मी की वजह से मर जाऊंगा यार। क्या मुझे पानी पे जाकर ठंडक मिलेगी या फिर ये पोकेमोन मुझे कुछ ठंडक प्रोवाइड करेगा? ये जो आप नीचे टेम्परेचर मीटर देख पा रहे हो ना यार, ये मतलब बैलेंस रहना चाहिए। अभी ये बहुत ज्यादा हॉट की तरफ है, एक तो धूप का भी टाइम हो रहा है ना, आधी गर्मी तो इसलिए हो रही है। बेटर यही है कि मैं अपने इस पोकेमोन को उतारता हूँ। इधर आ भाई, बैठा मुझे। हम लोग यहाँ से वापस थोड़ा सा दूर को चलते हैं। उधर की तरफ में ना मुझे बर्फ नजर आ रही है। ये वाली साइड कुछ ज्यादा ही हॉट है, पूरा डेजर्ट है यार ये। भाई मैं मर जाऊंगा यार इस हिसाब से तो। बाहर चलो भाई। वेट, ओके टेम्परेचर नॉर्मल हो गया भाई। उधर जाना तो एक अलग ही टास्क है। काफी हेल्थ वेल्थ कम हुई थी, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। मैं पता है अभी क्या सोच रहा हूँ, अगर मुझे आसपास वो जो टेलीपोर्ट वाला होता है ना, मैं उसका एग्जैक्ट नाम नहीं जानता, अगर मुझे वो मिल जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। मैं एक बार वापस अपने बेस पे चले जाऊंगा। और ओए वेट, मुझे मिल गया वो, देखो सामने की तरफ में कुछ चमक रहा है ना, गोल्डन। मुझे वहीं पे जाना है, वहां पे भी कुछ तगड़े पोकेमॉन्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा। बट अच्छी बात तो है कि भाई इधर गर्मी नहीं है, वरना तो भाई मैं उधर गर्मी की वजह से मर जाता। कोई ना कोई तो सूट या कोई बॉडी आर्मर ऐसा आता होगा जिसमें हमारी बॉडी गर्म एरिया में भी ठंडी रहे। पूरी हालत खराब हो गई यार गर्मी लग लग के। चलो नाइस, अपने को सामने मिल चुका है भाई टेलीपोर्ट करने वाला। चलो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ इसे बोलते हैं फास्ट ट्रेवल। टेलीपोर्ट करने वाला क्या होता भाई? यार देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि ना देखो थोड़ी देर में रात होने वाली है, अब हम लोग वैसे भी फास्ट ट्रेवल कर यहां पर आ ही सकते हैं, तो क्यों ना एक बार ही अपने बेस पे वापस चल लेते हैं। भाई क्या खतरनाक था भाई यार, उस नाइट विंग को तो जो मारा है ना उसने, मजा आ गया। चलो बेटा नाइट विंग यहाँ पे आके रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद तुम उठोगे। अब मुझे यार कोई बढ़िया फ्लाइंग पोकेमोन चाहिए होगा। एक बार पहले पता करते हैं आखिरकार जो अपना गेल क्लाउ है उसका सैडल नहीं, मतलब उसका लटकने वाला कैसे बनेगा। यार देखो मैं मेगा शील्ड भी बना सकता हूँ, इसको हम लोग अनलॉक कर लेते हैं, इसको आज मैं बनाऊंगा। और ये है कोल्ड रेजिस्टेंट वाला आर्मर, अपने को ये चाहिए। जब हम डेजर्ट में गए थे ना तो अब अपन ये आर्मर पहनेंगे ना तो अपने को गर्मी कम लगेगी। और ये क्या है भाई, डिग टॉयज हैंडबैंड। ओ अपना जो हम लोग ये नया पोकेमोन पकड़ के लाया ना उसका नाम डिग टॉयज है, और उसके लिए कोई हैंडबैंड आता है भाई, ये देखो। अरे भाई कितना बड़ा है ये, तो क्या करता है तू, पत्थर वत्थर तोड़ने का काम करता है भाई? मुझे लग रहा है पत्थर तोड़ने जा रहा है, बट जो भी हो भाई है तो बहुत खतरनाक है। 21 लेवल का, एक बार इसका डैमेज देखूं। ऐसे मुझे लगता है ना डैमेज वाइज इतना तगड़ा होगा क्योंकि कुछ खास स्पीड भी नहीं पाया था ये। 285 नॉट बैड भाई। डिफेंस इसका ज्यादा अच्छा है, 354 का डिफेंस तो मैं बताऊं मेमोरेस्ट का भी नहीं, 203 का डिफेंस है। मतलब इस पे तुम अगर अटैक करोगे ना तो इसको बहुत कम फील होगा, मतलब इसे कुछ चोट लगेगी नहीं। बाकी यार अभी अपने पास ना फास्ट ट्रेवल करने के लिए डायर हाउला इसको रख लेते हैं, इसके ऊपर बैठ के एटलीस्ट तेज में भाग पाऊंगा। और गेल क्लॉ के ग्लव्स में अनलॉक कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए, अनलॉक तो इसे कर लेते हैं, बट इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा फाइबर, लेदर एंड क्लोथ। भाई फाइबर वाइबर तो लकड़ी से मिल जाता है भाई, फाइबर पड़ेगा तुम पे? यार इधर तो बहुत सारा वुड है, इधर से मुझे काफी सारा फाइबर और वुड मिल गया है, इन फाइबर के थ्रू मैं क्लोथ तो बना ही सकता हूँ ना। उसको देखो भाई ये क्या कर रहा है भाई, डिग टॉयज को तो हम लोग बढ़िया पकड़ के लाए हैं, ये तो ड्रिल मशीन की तरह पत्थर तोड़ रहा है भाई खर्र फुल स्पीड में। बढ़िया भाई बढ़िया, मुझे तो लग रहा था मैंने इधर मोटर कब लगा दी। मजे में बढ़िया पोकेमोन पकड़ लिया भाई, ये फायदा होता है नई जगह घूमने का। बाकी ठीक है, अभी ज्यादा हमने लोड उठा रखा अपनी बॉडी पे, सबसे पहले तो हम लोग लकड़ियां हटा देते हैं भाई सारी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो कि मुझे करना है वो है हम लोग ये जो नया एग ढूंढ के लाए ना, रुक जाओ, मैंने वैसे यहाँ पर एक और एग रखा हुआ था जो कि 9 मिनट में खुल जाएगा। इसमें से मिलने वाला है मुझे एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन जो कि शायद से लार्ज वाला है, तो मतलब कोई बड़ा तगड़ा इलेक्ट्रिक पोकेमोन अपने को मिल सकता है। मैं 3-4 और नए एग ढूंढ के लाया हूँ, इसको भी हम लोग रखवा देते हैं भाई। ये तो ह्यूज फ्रोजन एग है भाई, कोई बर्फीला बड़ा पोकेमोन निकलेगा। यार अभी ना मेरे को एक नई चेस्ट बनानी पड़ेगी यार, स्टोरेज की सच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यार। टेक्नोलॉजी में चल के देखते हैं, कोई बड़ा स्टोरेज बॉक्स नहीं खुलता क्या? एक मेटल चेस्ट खुल रही है। नहीं यार इसका साइज तो वही है, मुझे कोई लार्ज चेस्ट चाहिए। आई थिंक इसमें नहीं है, हम लोग छोटे वाले मल्टीपल ही बना सकते हैं। तो एक और मैं बना देता हूँ, ये वाला बनाते हैं थोड़ा इस साइड पे भी ना, जगह की कमी पड़ते जा रही है। चलो गाइस जल्दी से इसे बनाओ, इसमें थोड़ा सामान रखना, अंडे वंडे सारे इसके अंदर लाके रख दूंगा, मतलब खाने पीने वाले अंडे नहीं, ये वाले एग जिसको मुझे थोड़े टाइम में इनक्यूबेट करना है। चलो भाई काफी ज्यादा रात हो चुकी है, फटाक से हम लोग चलते हैं सोने। नेक्स्ट डे वापस हमें जाना है उसी एरिया में ट्री तक, क्योंकि हम लोग पहुंच नहीं पाए थे ना लास्ट टाइम। ऑलराइट गाइस गुड मॉर्निंग, अगला दिन हो चुका है, वापस से हम लोग चलते हैं। वैसे अगले दिन से याद आया मुझे गेल क्लाउ का वो बनाना था ना ग्लव्स, तो उसके लिए मुझे देखना था यार लेदर चाहिए ना अपने को। भाई ये देखो ये तो पहुंच चुका अपना पत्थर तोड़ने, लो भाई चालू हो गया, ये बढ़िया है भाई। अरे एक सेकंड मर्चेंट आया। अरे भैया उधर का घूम रहा है, मैं खरीदता हूँ यहाँ पे माल पानी। हाँ मेरे से बात कर, अपने को जो जो चाहिए भाई इससे खरीद सकते हैं यार। हमें खरीदना है लेदर बेच रहे, अरे तू दे दे भाई, पैसों की कमी नहीं है, हम लोग इससे थोड़ा सा लेदर ले लेते हैं। क्लोथ बेचता है क्या तू, कि लेदर से हम खुद बनाए फाइबर? चल छोड़ जा निकल। हमें क्या क्या चाहिए था, फाइबर चाहिए
लेदर एक और चाहिए, लेदर रुक जा, कहाँ चला गया भाई? अरे भैया यहीं तो, अच्छा बुरा, अरे भाई खरीदने वाला मैं हूँ, पूरे घर में घूम रहा है, इधर आ, उनके पास कहाँ जा रहा है? हाँ थोड़ा सा लेदर एक और दे दे। अभी अपने को फाइबर चाहिए जो कि लकड़ी से हमें मिल जाएगा, फिर क्लोथ भी बना लेंगे फाइबर से ही। चलो तो ढेर सारा हमने यहाँ से फाइबर भी इकट्ठा कर लिया है, और इसको बनाने के लिए ना गाइस ऐसे फाइबर हमें और चाहिए होगा यार, फाइबर यहाँ पर इनफ नहीं मिला हमें। मैं खुद जाके लकड़ी तोड़ू तो मिलेगा क्या भाई? ठीक यार, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। चलो जल्दी से लकड़ी तोड़ना चालू करते हैं, लकड़ी के साथ साथ फाइबर भी मिलेगा, फिर क्लोथ बनाने हमें 20। ओके तो बहुत सारा फाइबर हमने यहाँ से इकट्ठा कर लिया, लकड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही आ गई, लकड़ियों का हमने इसे डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत अपने पास लकड़ियों की कमी नहीं है भाई, भर के है सब कुछ। बाकी भूख लग रही है भाई, खाना पूरा खा लेते हैं। और अपने पास एक अनयूज्ड स्टार्ट पॉइंट है जिससे मैं सोच रहा हूँ अपनी हेल्थ एनहेंस कर लूँ, थोड़ी हेल्थ यार ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी इस चीज़ से हम देखते रहेंगे। चलो तो अभी मैं क्या कह रहा था, पहले तो यहाँ से बहुत सारा एरो इकट्ठा करते हैं, और अभी क्लोथ बनाना है ना अपने को, 20 क्लोथ बनाना है, तो 20 क्लोथ का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई सब लोग लग जाओ जल्दी से। ये होती हम लोग एक ऐसे ग्लव बना सकते हैं, वो एक बर्ड पे लगेंगे जिसके थ्रू मैं बहुत तेज और कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता हूँ। भाई रॉबिन क्विल सबसे ज्यादा फास्ट है, भाग कर अपने पास आ जाता है भाई काम कराने। चलो गाइस तो फुल स्पीड में हमने सारा काम कर लिया है, क्लोथ रेडी हो गई है, अपना आर्मर डैमेज था मैं इसे रिपेयर कर लेता हूँ। चलो गाइस ऑल डन, जितना भी सामान हमें चाहिए था सारा का सारा मिल चुका है। अब फटाफट से चलकर हम लोग वो ग्लव्स क्राफ्ट कर लेते हैं जिसके थ्रू मैं बहुत फास्ट ट्रैवल करने वाला हूँ। वैसे भाई मैंने क्राफ्टिंग पे लगा तो दिया, बट ये काम में इतनी ज्यादा देर लगेगी ये मैंने नहीं सोचा था। भाई दो लोग मिलके करवा रहे हैं, चलो भाई दो भी नहीं शायद से तीन लोग मिलके करवा रहे हैं। अरे भाई 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 ये ग्लव्स इतना ज्यादा टाइम लेंगे, ऐसा क्यों है? अरे हेल्प करो, कहाँ जा? अरे भाई क्या होगा, हंगरी भूख लगी उसको। बट ठीक है यार, एक बार ये ग्लव्स बन जाए फिर अपना सीन बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगा। हमें कहीं पर भी जाना होगा, हम लोग अपनी गेल क्लाउड जो बड़ा सा बर्ड वाला पोकेमोन है उसके ऊपर बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। ओ हेलो महारानी, इधर आ, इसको पकड़ते हैं, इधर आ, कैसे भाग? अरे भाई इधर आ। हाँ तो इसको लेके चलते हैं और इसको बोलते हैं कि अपना दिमाग यहाँ पे लगा, ठीक है? भाई ये क्या है सीन, इसका ट्रांसपोर्टिंग पे लग गई भाई, ठीक है वो करने दो, मुझे खुद ही से बैठ के क्राफ्ट करना होगा भाई, क्या है ये? अरे रुको यार, मेरे पास कोई तो बढ़िया पोकेमोन होगा जो मेरी मदद करेगा। हाँ अपने पास पेन किंग का बॉस पोकेमोन है ना, इसको रखते हैं, ये अपनी मदद करेगा। चल भाई इस पे काम पे लग जा, बढ़िया। अभी हम दोनों मिलके बनाते हैं भाई इसे जल्दी से। भाई तू क्राफ्ट ही कर रहा है या डांस कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 4 3 2 1 फाइनली गेल क्लाउ के जो ग्लव्स है वो हम लोगों ने बना लिए, अब चल के उसे भी ढूंढते हैं। गेल क्लाउ कहाँ पे है भाई? अरे मेरे पास है तो ना। हाँ ये रहा, मैं डर गया था भाई। चलो अपने पास काफी कम लेवल का, छोटा सा लेवल 10 का है, बट मैं इसका यूज कर सकता हूँ ना। अरे भाई तू उड़ता कहाँ जा रहा है, इधर आ वापस एक बारी। गाइस एक मिनट रुको यार, मैंने गेल क्लाउ के ग्लव तो बनाए हैं पर अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे पता नहीं चल रहा उसे यूज कैसे करना है। अरे भाई इधर आ, नीचे कहाँ चले गए उसके ग्लव? ओके वेट, शायद से मुझे मालूम पड़ चुका है कि मुझे इसे यूज कैसे करना है। जब मैं हवा में होऊंगा ना तो ये वर्क करेगा एक पैराशूट टाइप, तो मतलब जैसे ग्लाइडर से वर्क करते हैं शायद ये वैसे वर्क करेगा। ये देखो ये मुझे ऐसे लेकर जाएगा बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक। मैं सोच रहा था कि कोई सैडल टाइप है, बट अगर मुझे इसे यूज करना है तो पहले मुझे कहीं बहुत ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे ऐसे जंप करा देगा। कोई सीन नहीं है, हम लोग ज्यादा हाइट पे चलेंगे और उसके थ्रू बहुत तेज और बहुत फास्ट ट्रेवल कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं अपने पास रखने वाला हूँ, रुको यार क्या रखे अपने पास, डायर हल को हटाते हैं, कोई खतरनाक पोकेमोन चाहिए होगा जो हमारे साथ चले, तो हम लोग मुसांडा को लेकर चलेंगे। एंड अभी हम लोग ट्रेवल करते हैं उसी जगह पे जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम गए थे, ये रहा। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग वापस से उस ट्री वाले एरिया पे आ चुके हैं, कोल्ड शोर इस जगह का नाम है। हमने जो गेल क्लाउ का सैडल बनाया ना भाई, वो यहाँ पर काम नहीं आने वाला क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट है, एक तरीके से हमें क्लाइम करना है, वो तब काम आएगा जब हमें नीचे की साइड पे जाना है। भाई वैसे एक चीज तो यार, इस जंगल में मेमोरेस्ट बहुत ज्यादा है यार, मतलब प्रॉपर मेमोरेस्ट का जंगल है, यहाँ के नॉर्मल एनिमल है मेमोरेस्ट। चलो गाइस मैं क्लाइम करते करते काफी ऊपर आ चुका हूँ और अभी मुझे लग रहा है कि हम लोग उस ट्री के बहुत ज्यादा पास पहुंच गए हैं। यहाँ से एक बारी और वो ग्लाइडर यूज करते हैं और चलते हैं जहां तक हम लोग मैक्स पहुंच सकते हैं। नाइस, सामने वाले एरिया पे हमें लाकर इसने ड्रॉप कर दिया है। भाई सही बताऊं तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके आगे कोई दुनिया है ही नहीं, एकदम एंड लग रहा था बट है। ये देखो ट्री हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, भाई मैं वहां तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं समझ ही नहीं आ रहा यार, कितना ज्यादा दूर है भाई ये, कितना ज्यादा दूर है। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा हूं वो उतना ही दूर जाता जा रहा है, बार बार ऐसा लगता है कि मैं उसके थोड़ा आसपास पहुंच गया हूं, बट नहीं हम लोग अभी भी उससे बहुत दूर है। मैं गलत जगह पानी में गिर गया भाई, मैं डूब के मर जाऊंगा, तो चढ़ने की जगह ही नहीं है। छी भाई भाई वेट 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 वेट, मैं ना गाइस मर गया था और अभी मैं अपने साथ डायर हाउल को कर रहा हूं ताकि मैं जल्दी से भागकर उसी वाली लोकेशन पे पहुंचूं जहां पर मैं लास्ट टाइम मरा था। बट इधर आप देख रहे हो ये कुछ तो अलग ही भाई, पैल जेनेटिक रिसर्च यूनिट एग्जिक, पता नहीं क्या है भाई ये, गन वन लेके खड़े हैं एकदम फ्यूचरिस्टिक से, ऐसा लग रहा है बस इनके पास में अगर गया तो गोलियों से भून डालेंगे मुझे। तो सही तो यही है कि भाई अपना ये, एक सेकंड भाई, माउक्रिस्ट
ये कोई तो बिल्ली है पर लेवल 31 की है, क्या मुझे इससे पंगे लेने चाहिए? अरे रुक जा, तेरे को नहीं पंगे लेने, मुझे लेने। मारो इसे, मार देना पर भाई, क्योंकि मार नहीं पाए तो वो मुझे अरे भाई गड़बड़ होगी। अरे कितने खतरनाक लोग है भाई, एक में उड़ा दिया मुझे। अरे रुक जाओ भाई, मुझे ऐसे नहीं करना, मेरा जितना सामान है सारा खो जाएगा। रुको रुको भाई, मैंने एक बिल्ली को मारने की लालच में खाली पी ली। ठीक है भाई, इस बार कोई मस्ती नहीं मेरे पास, मेरा डायर हल्का है। जल्दी आ भाई, मुझे बिठा, जल्दी से भाग के चलते हैं अपनी मरी हुई लोकेशन पे, मेरे को अपना सारा सामान चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मैं आज के दिन उस जगह तक पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं जहां पर वो ट्री है। अरे पानी में गिर के वापस नहीं मरना, मुझे लैंड चाहिए जहां पे मैं चढ़ सकता हूं। रुको, अगर मैं इसको भेजू ये मुझे बिठा लेगा ना। नाइस, अभी अपने पास बचने का सोर्स है। अगर लास्ट टाइम मेरे पास यही होता तो मैं पानी में डूबता नहीं यार, नाइट विंग का यही फायदा है। पर भाई नाइट विंग को भी ना खाना चाहिए होता है, और खाना सामने पड़ा हुआ है, पहले खाना लेकर इसे खिलाते हैं। पूरी टीम इस टाइम पर मेरी हंगरी है भाई, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि आखिर उस ट्री के पास जाने के चक्कर में हम लोग कैसी सी जगह पर आ गए हैं भाई। वहां पर कहाँ है हमारा सामान यार, ऊपर गिरा हुआ है क्या? ऊपर लेके चलियो भाई जरा, ये सारा करते हैं अंदर। नाइस भाई, अभी लग तो रहा है कि मैं उस ट्री के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका हूँ, मतलब हद से ज्यादा पास तो आ गए हैं। लेट्स गो, आज बस मैं नाइट विंग को लेके चलता ही जाऊंगा, देखते हैं भाई कब तक हम लोग इसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। भाई ये जो ट्री है ये देखने में ऐसा लग रहा था कि अपने बेस से कितना पास है, एकदम ऐसे बगल में ही दिख रहा था, और आप मानोगे नहीं मैप में मैं कितना दूर आ चुका हूं भाई। यहां था अपना बेस, हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं और अभी भी मैं इस ट्री तक नहीं पहुंच पाया हूं। पता नहीं भाई मैं इतना दूर आ गया हूं, वहां पे कितने खतरनाक पोकेमोन होंगे। और वो देखो भाई मून, देखो कैसे मून उग रहा है। रुको यार, अपनी पैल टीम हंगरी है, सबको खाना खिलाते पहले। लेट्स गो, सबने पेट भर के खाना खा लिया है। यार वो ट्री सच में पास में ही है ना यार, कि अभी भी वहां पे पहुंच के पता चल रहा है कि उतना आगे और जाना है। चलो भाई अभी हम लोग एक सरफेस पे आ चुके हैं, यहाँ पर ना मैं अपने डायर हाउल को यूज कर सकता हूँ चलने के लिए। थोड़ा सा ऊपर लेके चल नाइट विंग मुझे, अरे ऊपर उतार। चलो नाइट विंग की मदद से थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, उसके बाद डायर हाउल को उतारेंगे और उस पर बैठते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको उतार देता हूँ, वापिस आ जा भाई, इधर आ, इधर उधर मत जा भाई, यहाँ पे कुछ खतरनाक पोकेमोन हो सकते हैं रात के टाइम पे। ये देखो भाई यहाँ पर जो ये पैल के, क्या नाम है इनका, पैल जेनेटिक रिसर्च यूनिट एग्जीक्यूशनर, भाई पता नहीं क्या ही है भाई ये लोग, सारे के सारे सो रहे हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा हैवी आर्मर्ड वाले खतरनाक लोग हैं। इनके पास तो वेपन भी बहुत तगड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारी चेस्ट भी हैं। गीगा स्फीयर मिल गया मुझे उनमें से। गाइस देखो जाना तो अभी भी यहाँ से बहुत ज्यादा आगे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अरे नाइट विंग को ही उतारा जाए। अरे भाई यहाँ पर तो ठंड हो रही है, हम लोग को शायद से भाई हम लोग आगे नहीं जा सकते। पता है सीन क्या है, बगल में मेरे बर्फीली बायोम है, तुम्हें ट्री दिख रही है ऊपर वाइट, वो उस पे बर्फ जमी हुई है। या तो मैं एक तरीका रुक जाओ, हम लोग अभी रुकेंगे नहीं, हम लोग को ट्री की जड़ दिख चुकी है। थोड़ा सा लेफ्ट से होकर जाते हैं, उस बर्फ वाली साइड से ना जाते हुए थोड़ा सा लेफ्ट से होकर जाएंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट मुझे अभी ऐसी फील आ रही है कि मैं ट्री के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका हूं, बहुत ज्यादा। पर यार जो भी हो, इधर ऐसी कैसी ठंड है कि मेरे हाथ में मतलब प्रॉपर फायर वाला टॉर्च है फिर भी मेरे को दूर जाना पड़ रहा है, अगर मतलब ठंड की वजह से। वैसे सही में यार बिल्कुल मजाक नहीं, मैं खुद जानना चाह रहा हूं भाई मैं कब पहुंचूंगा इसके पास। ये ट्री तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा दूर है यार ये। मैप में देखू, मैप में भी कुछ नहीं समझ आ रहा है यार, ये ट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है ना कि कहीं ऐसा है कि मैं जितना इसके पास जा रहा हूँ ये उतना ही दूर जाता जा रहा है। मुझे कोई पानी के डॉल्फिन वोल्फिन जैसे पोकेमोन को लेना था, उसकी बहुत अपग्रेड करके उसे आना चाहिए था। मैं लेकर आऊँ सारे वो पोकेमोन जो मस्त उड़ते हैं, कोई मस्त जमीन पे भागता है, बट यहाँ तो जमीन ही नहीं है ना भाई। गाइस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने साथ स्कैम हो चुका है, ये ट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत हो गया भाई, मैं कहाँ से आया हूँ भाई, ये देख रहे हो तुम कितना उड़ चुका हूँ। रुको यार इसने बहुत घुमा लिया, थोड़ी देर ना उतर के मैं पैदल जाके देख रहा हूँ, मेरा स्टैमिना खत्म होगा, मैं इसको बुला लूंगा वापस, मतलब मैं इसके ऊपर जाके बैठ जाऊंगा, बट अभी तैरते हुए चलते हैं। मैं सही बताऊँ तो यार बात एक ही है, इसके ऊपर जाओ या कुछ जाओ, एक बार टोर्नेडो अटैक करके देखते हैं भाई, थोड़ा सा तेज जाएगा, जा फुल स्पीड में, वेरी गुड, इसी तरीके से चलते हैं भाई, अभी टोर्नेडो अटैक करते करते चलेंगे, शायद से जल्दी पहुंचे। नाइस वापस यही तरीका भाई, अभी बहुत तेज स्पीड में आगे जाने का। ओ हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि भाई ओए आ गए हम लोग, पहुंच गए गाइस, पहुंच गए भाई, मुझे जमीन दिख गई। ओ भाई फाइनली हम लोग उस ट्री के पास पहुंच चुके हैं। ओ भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा सच में, अरे ये कर रहा है, ये नहीं हो सकता भाई, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। ये देखो कुछ रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है भाई, ये क्या है यार, ये मैप का बॉर्डर है भाई, ये क्या शोपीस के लिए लगा रखा है क्या वाला ट्री। गाइस हम लोग पहुंच के भी नहीं पहुंच पाए भाई, यार कितनी गलत बात है गेम वालों, कितनी गलत बात है भाई, तुमने सपने तोड़ दिए मेरे सारे, मैं देखो जा ही नहीं सकता आगे, ये गेम का बॉर्डर है भाई, मैं करूँ क्या ना, मैं बर्फ के पास जा पाऊंगा। छी भाई छी, तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ थी भाई, शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी। वापस चलो, अब मैं वापस कोई दूसरे रास्ते से जाऊंगा, ताकि मुझे रास्ते में वापस जाते कोई नया एरिया मिले। भाई मुझे काश पता होता यार,
इतना बड़ा ट्री लेके मैं निकला और अपने साथ हो गया है प्रॉपर स्कैम। इतना प्यारा ट्री था, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के आया था भाई यहाँ पर क्या होगा। ये ऐसा ट्री है कि गेम में हर जगह से दिखता है भाई। बहुत उम्मीदें थी मेरी कि इधर कुछ तो खतरनाक होगा, कोई बहुत बड़ा बॉस पोकेमोन होगा जिसको देख के फाइट करके मैं मर भी जाता ना तो भी कोई दुख नहीं होता कि एटलीस्ट इतना ट्रैवल करके मुझे कुछ देखने को मिला, कुछ बढ़िया देखने को मिला। बट नहीं भाई, यहाँ पे देखने को मिला एक दीवार। चलो खैर, स्कैम हो चुका है, अभी कोई बात नहीं, सीधा सीधा भागते हैं अभी फटाफट से। यही एक बेस्ट तरीका है जिससे हम लोग फास्ट ट्रैवल करके उस साइड पे जा सकते हैं। गाइस देखो, मुझे ना सामने की तरफ में एक माउंटेन दिख रहा है, मैं बस सोच रहा हूँ कि उसी साइड से जाऊँ। वरना देखो, ऑप्शन पता है क्या था कि इधर जहाँ बर्फ है ना वहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल वाला पॉइंट था, बट मैं उधर जा नहीं सकता क्योंकि बर्फ है और अपने पास कपड़े नहीं है जिसको लेके हम ठंड में जा पाए। तो ये जो माउंटेन है, पक्का यहाँ पर आसपास कोई ना कोई एरिया होगा जिसके थ्रू मैं फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ। वैसे अगर एक बार मैं लैंड पे पहुंच भी जाऊँ तो अपने पास डायर हाउल है, उस पर बैठ के चलेंगे भाई, वो कुत्ता बहुत तेज भागता है। अब भाई ऐसा ना हो कि ये जो माउंटेन है ये भी फेक है भाई, ये तो रियल है ना। एक मिनट रुक जाओ भाई। अरे यार अब ऐसा मत करो भाई, मुझे प्लीज। नहीं नहीं, ये वाले रियल है। कितना ज्यादा भाई, कितना ज्यादा डिस्टेंस में ट्रेवल करके आया था भाई इस पेड़ के पास। मुझे पता लग ही रहा था कुछ गड़बड़, आधे रास्ते जब मैं आया था ना मुझे तभी लग गया था कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भाई स्ट्री के जितना ज्यादा पास जा रहा था भाई ये उतना मेरे से दूर जा रहा था और गड़बड़ यही थी वो। बट यार जो भी कह लो, ये ट्री दिखता तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। हो सकता है इन फ्यूचर ये अनलॉक हो जाए या फिर मैप की न्यू DLC आए तभी होगा। होगा 100%, इसमें कुछ ना कुछ तो अनलॉक करेंगे इसे। अभी ये जो गेम है ये थोड़ा अर्ली एक्सेस में है ना, तो इसलिए शायद से ना खुला हो। तो चलो गाइस, फाइनली पूरे आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग वापस से लैंड के पास पहुंच चुके हैं भाई। बहुत ही ज्यादा लंबा सफर था। वैसे सही बताऊं तो अभी भी नहीं पहुंचे, पता नहीं ये कैसा सा एरिया है यार, यहाँ पर टेढ़े मेढ़े से पहाड़ है, यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल होगा। मेरे को लग रहा है कि हमें क्लाइंबिंग ही करनी पड़ेगी भाई इन माउंटेन्स पे। भाई इन पहाड़ों पे चढ़कर इधर उधर भटकने से बढ़िया तो यही है कि मैं नॉर्मल पानी में ही जाऊं और थोड़ा सा आगे का रास्ता कवर करूं। गाइस मुझे ना वो लेफ्ट टॉप वाली साइड पे एक कासल दिख रहा है, मतलब प्रॉपर कासल तो नहीं है बट कासल जैसी वॉल्स हैं और बड़े बड़े वॉच टावर्स हैं जो कि एक कासल में ही होते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पर। वैसे कासल आगे वाली साइड पे भी है और यहाँ पर कुछ अलग मॉन्स्टर है, ये देखो कैल्पसी नाम के, पता नहीं क्या है ये। वेट, यहाँ पर तो वो उड़ने वाला मॉन्स्टर भी, इसको तो हमने मारा हुआ है इसको। ओए यार ध्यान ही नहीं दिया बेचारा, वो मर गया, थक के मर गया भाई। उसको हमने बहुत दौड़ाया यार आज, और पानी में मैंने उसे डुबा रखा था तो उसे बिल्कुल भी स्टैमिना लेने का टाइम ही नहीं मिला और बेचारा मर गया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कासल पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं भाई। ये जगह बढ़िया बट ये भी हॉट है यार, क्या करूं मैं अपने आप को कूलिंग देने के लिए। अपने पास आइस ऑर्गन है, इससे कुछ कर सकते हैं क्या? यार उधर जाओ तो ठंड लगती है, इधर आओ तो गर्मी लगती है। अभी हम लोग कुछ ऐसे लेवल्स पे आ चुके हैं भाई, यहाँ पर अगर घूमने भी आना है तो हमें कोई ना कोई अलग आर्मर बनाना पड़ेगा। मतलब तुम मानोगे, मुझे बस आगे जाना है तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि बहुत गर्मी है। जब तक मैं पानी में हूँ तब तक ठीक है, जहाँ मैंने आगे जाने का ट्राई करा मुझे गर्मी लगेगी। एक बार वो ट्राई करते हैं बस। बॉडी गीली है तो शायद से मैं जा पा रहा हूँ, मेरी बॉडी जैसी शायद से सूखेगी। ओ वेट, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओ नहीं, दिक्कत है। वापिस चलो। क्या यार, कैसी सी जगह पर आ गए हैं हम लोग, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी क्यों रही है भाई इधर। मैंने जो आर्मर पहना है, कौन सा आर्मर है ये, वॉर्म है ना, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए तो शायद से अपने को गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी। यार लग रही है भाई, अरे अरे रुको यार, गर्मी लग रही है, पानी में डुबकी मारो। हे यार कोई आसपास फास्ट ट्रैवल है मुझे वो दे दो, मैं सीधा घर चले जाता हूँ। अबे वेट गाइस, मुझे कुछ खतरनाक दिख चुका है सामने, वो देखो ये क्या चीज है, रेप्टायरो। ये तो प्रॉपर एक फायर पोकेमोन है भाई, ये बॉस पोकेमोन है क्या? नहीं नहीं भाई, ये यहाँ का नॉर्मल पोकेमोन है, मेमोरस टाइप। मैं इससे फाइट ले सकता हूँ बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमें इससे आज फाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बात तो 36 लेवल का है और अपने पास प्रॉपर तगड़े वाले पोकेमोन नहीं है। अपने पास मेमोरेस्ट है, फेल बैट है, बाकी मोसांडा वगैरह सब मैं घर पे छोड़ के आया था। हम लोग इससे लड़ेंगे इन फ्यूचर, लड़ेंगे आज नहीं, बट आज अपना दिन नहीं है। हमें गर्मी वर्मी वैसे ही लग रही है, वो मारे ना मारे हम लोग गर्मी से जरूर मर जाएंगे। बट हाँ यार जो भी है, हम लोग एक नए एरिया में आ चुके हैं, यहाँ पर मैं दोबारा आऊंगा नए आर्मर बना के, एक ठंडे वाला आर्मर और एक गर्मी वाला आर्मर। अभी मुझे बस एक फास्ट ट्रेवल पॉइंट चाहिए अपने घर पे वापस जाने के लिए। एक अपना लास्ट सहारा था डायर हाउल जिसमें मैं बैठ के इधर उधर घूम रहा था बेचारा, वो अलग मरवा दिया मैंने। ओके। अभी मुझे समझ आया मुझे गर्मी लग क्यों रही है, ये प्रॉपर डेजर्ट साइड वाला बायोम है। सामने तुम देख रहे हो भाई कितना ज्यादा खतरनाक माहौल हो रखा है भाई, कितने ज्यादा बड़े बड़े हड्डी के कंकाल पड़े हुए हैं भाई, यहाँ क्या सीन है। ये बहुत सारे अलग टाइप के पोकेमोन भी यहाँ पर घूम रहे हैं, पर इधर उतरना बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना इधर गर्मी बहुत है और नाइट विंग की भी हालत यार थोड़ी थोड़ी खराब हो ही रही है भाई। ये बहुत ज्यादा
खतरनाक जगह यार, बाद में मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा भाई। ये देखो ये सब कौन है? विक्सेन 29 लेवल के। यार लड़ने का इन मन इनसे मेरा बहुत ज्यादा कर रहा है, बट नहीं लड़ सकते, मैं जमीन पे ही नहीं उतर सकता हूँ भाई। पीछे मेरे एकदम डेजर्ट जैसा गर्म माहौल था और सामने देखो बर्फ आ चुकी है। बर्फ है क्या ये? अच्छा नॉर्मल पत्थर है, बट ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बर्फ के जमे हुए हैं। चलो पता नहीं मैं कहीं पर तो आ चुका हूँ। यहाँ से और आगे जाना है तो भाई कितना आगे जाना है, थोड़ा बहुत नहीं, बट मुझे लगता है कि बीच एरिया में मुझे कहीं ना कहीं पर तो फास्ट ट्रेवल मिल जाएगा जिसके थ्रू मैं जल्दी से अपने घर पे पहुंच पाऊंगा। भाई इस एरिया में कैसी अजीब सी आवाज आ रही है, और ये क्या है भाई? ये तो कुछ नए पोकेमोन है। रुक जाओ, इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। पहले बुलाओ भाई वापस इसे, इनको मारते हैं। ये तो 13-14 लेवल के है, इनको मार देना चाहिए। मार उन्हें भाई, अरे आराम से मार दिया तो इसने। रुक जाओ, इसको तो मैं ही मार दूंगा। चलो बेटा अंदर चलो, इजीली आ जाएगा ये, मर मत जाइयो। चलो ये अब आ गया। थोड़ा नया पोकेमोन दिखता है तो मैं हमेशा पकड़ लेता हूँ भाई, अपने को बढ़िया पोकेमोन। अरे ज्यादा शाणा नहीं, चुपचाप अंदर चल। अरे अटैक करने में लगा हुआ भाई, मैं इस पर अगर एक अटैक और कर दूंगा ना ये मर जाएगा। अब आ गया। नाइस, चलो हमने एक नया पोकेमोन यहाँ पर पकड़ लिया है। वैसे गाइस जिस एरिया में मैं आया हूँ यहाँ पर एक बॉस पोकेमोन रहता है ऊपर, क्या बोलते हो उसे लड़ लेना चाहिए? भाई ये एरिया में ना अजीबो गरीब सी आवाज आ रही है, कुछ तो पता नहीं किस चीज की आवाज है। यार एक तो ना मैं पहले आर्मर पहन लेता हूँ, मैं बिना आर्मर के चड्डी में घूमता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हूँ। वैसे यार काफी ज्यादा रात हो चुकी है, थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा। भाई ये एरिया में इतनी खतरनाक आवाज क्यों आ रही है? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गंदा है भाई। वो वेट ऊपर, ये क्या चीज है? ये तो बहुत छोटे से लेवल का पोकेमोन है, इसको मार दूंगा मैं तो अकेला ही, लेवल 9 है बस। क्या करता है? फायर फेंकेगा ये जैसे कि कोई पागल है। ओ तेरी की पागल, चल अंदर। वेरी गुड, आ मुझे मार के गया भाई। चलो आजा, बहुत बढ़िया भाई। इस जगह पर अजीबोगरीब पोकेमोन तो मुझे मिल रहे, बट मैंने पकड़ लिया उसे। खैर अभी मैं क्लाइम करते करते बहुत ज्यादा टॉप पे आ गया हूँ, और यहाँ पर पूरा यहाँ पे एक 29 लेवल का बीकन नाम का बॉस पोकेमोन है। क्या मुझे इससे फाइट कर लेनी चाहिए या फिर मैं बाद में आऊँ? भाई इसका एरिया कैसा है देख रहे हो तुम? इससे आज नहीं, इससे बाद में लड़ेंगे यार, अभी ना अपनी पूरी आर्मी है नहीं। वैसे यार फाइट करने को तो कर सकता हूँ इसको, मैं मेरे को लगता है मार दूंगा, इजिली मार दूंगा, 29 लेवल ही तो है। बट छोड़ो इससे बाद में लड़ेंगे, अच्छा पोकेमोन लग रहा है मुझे, उसे जल्दबाजी में फाइट करके मारना नहीं है, प्रॉपर आके फाइट करनी है और कैप्चर करके जाना है। वैसे आज हमने 2-3 नए पोकेमोन पकड़े, मजा आया। अभी फटाक से ना वापस चल लेते हैं हम लोग, क्योंकि मजे आते रहेंगे, घर जाना ज्यादा जरूरी है। ये है वो सामने वो वाला बायोम जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, इधर हमें तब आना है जब अपने पास कोई कूल आर्मर हो जो हमें हमेशा ठंडा रखे। अभी फिलहाल के लिए हमें जाना है इस डायरेक्शन में जहाँ पे अपना घर है, तो जंप मारते हैं। अरे इसके थ्रू नहीं भाई, ये क्यों रात में परेशान हो रहे? सो जाओ ना भाई, पिटवा दूंगा मेमोरस से, ज्यादा ही लड़ने का शौक है ना, लैपट की बताइयो मेमोरस इसको थोड़ा सा फायर मार इसके। अरे ये नहीं, ये तो बहुत खतरनाक वाला मार दिया जो कि उसके लगा भी नहीं। चलो छोड़ो यार इन लोग को लड़ने, तो मुझे घर पहुंचना है और मैं एकदम सही रास्ते पे जा रहा हूँ भाई। अभी भाई कितना ज्यादा सुनसान